सब्सक्राइब करें सिंपल टैक्स सपोर्ट चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सिंपल टैक्स सपोर्ट चैनल, और आज मैं आपको बताऊंगा गूगल एडसन से रिलेटेड कि आप कैसे अपने गूगल एडसन से अपना जो पर्सनल अकाउंट है वो कैसे लिंक करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप यूट्यूब का कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो पेमेंट होती है वो एडसन की तरफ से आती है, और ये एडसन जो है वो वेरीफाई होता है 2 बार। सबसे पहले आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो एड्रेस वेरिफिकेशन होगा। जैसे आपके जो डॉलर हैं वो 10 से पार हो जाएंगे तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ पर आपको एड्रेस मेंटेन करना होगा। ऊपर आपके पास एक रेड कलर का साइन आएगा, उस पर एक्शन लिखा होगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके अपना जो एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस है, उसको आप उस पर लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये एड्रेस और जो भी नाम है वही लिखना जो बैंक में हो आपका, वही आप इसमें लिखना। तो उसके साथ ही जैसे आप $10 कंप्लीट हो जाते हैं, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपको एक पिन दी आएगी जो गूगल की तरफ से आएगी, और गूगल की तरफ से ये 1-2 हफ्ते में आ जाती है। और जैसे आपका एड्रेस वेरीफाई हो गया, उसके बाद आपको करना है अपना जो अकाउंट है उसको आपको लिंक करना है। जैसे आपके $100 पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपका एक्शन आएगा, तो वहाँ पर आप अपनी जो अकाउंट की डिटेल है आप उसको ऐड कर सकते हैं, उससे पहले भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है जी, आपकी अभी देखोगे जी एडसन का होम स्क्रीन है, और यहाँ पर मैं अभी बता रहा हूँ आपको, तो ये नई वीडियो है जिसमें आपको जो भी अपडेट होंगे मैं आपको बता दूंगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखेंगे, यहाँ पर 3 लाइन, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है, और आप नीचे आपको जाना है सेटिंग्स में। जैसे आप सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पर आप काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो उस ऑप्शन में आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको अकाउंट पर्सनल सेटिंग्स में आपके अकाउंट में जो भी अकाउंट पर्सनल सेटिंग्स हैं आपकी, जो भी एड्रेस वगैरह है उसमें आप जा सकते हो। और साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपका पेमेंट का, तो पेमेंट वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा कि आप कैसे अपने अकाउंट को मैनेज अकाउंट में, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि आप कैसे उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, तो मैं अभी ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक कर देता हूँ। और जैसे मैं ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को हमें फिल करना होता है, और उस फिल करने के बाद ही हमारा जो गूगल का जो पैसा होता है एडसन पे जो आता है वो हम अपने बैंक में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जो सबसे पहला ऑप्शन है बेनिफिशियल आईडी है, ऑप्शनल है, इसको आपको नहीं भरना है, सिंपल है, आपको अपना नाम भर देना है। तो मैं अभी यहाँ पर एक अपना नाम भर देता हूँ। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सेकंड वाला है बैंक का नेम, तो मान के चलिए मैं अभी SBI का नाम डाल देता हूँ, SBI आप पूरा लिख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर डाल दीजिए, IFSC कोड है तो SBI का IFSC कोड आप डाल अपने जो आप आपके पास पासबुक होगी वहाँ पर आपको 11 डिजिट या 8 डिजिट का जो भी SBI जो भी IFSC कोड होता है वो आपको मिल जाएगा, आपकी पासबुक में मिल जाएगा। और कोशिश करें जो भी बैंक है वो काफ़ी पॉपुलर बैंक हो, और ऐसा ना है कि जो छोटी बैंक हो, कोशिश करें अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपके एक मेन ब्रांच में ही आपका अकाउंट है तो सही है, नहीं है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आती है वो आती है इसमें स्विफ्ट कोड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जैसे मान के चलिए आप इलाहाबाद में रहते हैं, इलाहाबाद पर आपका एक अकाउंट नंबर है, लेकिन उस शहर के जिस ब्रांच में आपका अकाउंट नंबर है उसका जो है आपको स्विफ्ट कोड नहीं है। वैसे तो आप मैनेजर से पूछ सकते हैं जाके, और मैनेजर से पूछने के बाद अगर वो बता दे तो ठीक है, अगर वो नहीं बता पाते हैं तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो उसी स्टेट का, सिटी का, अगर जो मेन ब्रांच है अगर आपको उसका स्विफ्ट कोड मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिले तो आप बैंक मैनेजर से पूछ सकते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है बाहर से वो किस बैंक से होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्विफ्ट ऐसी एक बैंक उनकी एक ब्रांच होगी जिससे कि ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है वो होता होगा बाहर से। तो यहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड है वो डाल देना है, आपको मिल जाएगा, आप मेन ब्रांच का डाल सकते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए अभी कोई शहर में रह रहे हो, उसकी जो शहर का मेन ब्रांच है आप उसका स्विफ्ट कोड इसमें डाल सकते हो। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक अकाउंट नंबर जो भी आपका मिलता है पासबुक पर आपका अकाउंट नंबर लिखा होगा, आप उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर डाल सकते हैं, और उसके बाद आपको रीटाइप अकाउंट नंबर आपको डाल देना है। जैसे आप इस पर डाल दोगे सारे अकाउंट नंबर और सारे के सारे, उसके बाद यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, इनको आपको नहीं भरना, ये ऑप्शनल है ना, तो इनको आपको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है, यहाँ पर आपको सेव कर देना है बस। आपको कोई भी डिटेल नहीं है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है, और नाम वही डालिए जो अकाउंट में हो, और साथ ही जो पर्सनल अकाउंट एडसन वाले अकाउंट में हो, और साथ ही बैंक वाले अकाउंट में भी सेम नेम आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बैंक का नाम डालना है, उसके बाद आपको IFSC कोड ये आपको पासबुक में मिल जाएगा, स्विफ्ट कोड है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, काफ़ी सारी जो अच्छी अच्छी वेबसाइट है उस पर आपको मिल जाता है, IFSC कोड है, स्विफ्ट कोड है, काफ़ी सारी आप गूगल पर सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखें 2-3 वेबसाइट पर जाकर उसे रीचेक जरूर करें कि आपका जो बैंक जो भी आपका स्विफ्ट कोड है वो आपका सही है या नहीं। उसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, अकाउंट का नंबर डालना है, अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको रीटाइप अकाउंट नंबर डालना है, आपको सेव कर देना है।
जैसे आप इसको सेव करोगे तो आपको 48 घंटे के अंदर आपको गूगल की तरफ से मिला जाएगा और आपका जो वेरिफिकेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये जो पेमेंट आती है ये आपको 21 से 22 से लेके 26 तारीख तक की आपकी जो भी पेमेंट है वो गूगल की तरफ से आ जाती है। लेकिन जो आपका यहाँ पर अभी जो होम स्क्रीन पर जो आपको पेमेंट दिखा रहा होगा अगर वो $100 से पार है तो वही पेमेंट आपकी आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो टोटल अर्निंग होती है वो जैसे मान के चलिए 100 से ऊपर है लेकिन हमारी जो एडसन में अर्निंग है वो हमारी 100 से ऊपर नहीं गई है। ये कभी कभी हो जाता है क्योंकि वो एडिट नहीं हो पाता है, ऐड नहीं हो पाता है, जो मंथली ऐड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका जब तक वो एडसन के फ्रंट पेज पर $100 से अबव नहीं होगा जब तक आपका नहीं माना जाएगा। चाहे आप यूट्यूब क्रिएटर में आप चेक कर लें वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा होते हैं लेकिन यहाँ पर मेरे कम होते हैं। तो अगर आपका जो भी अर्निंग है वो एडसन अकाउंट पर अगर ज़्यादा है $100 से तभी आप अपना जो भी अकाउंट है उसको आप लिंक करें और लिंक करने के बाद आपकी जो पेमेंट है वो महीने में 25-26 तारीख में आपकी आ जाएगी। डिपेंड करता है आपकी बैंक के ऊपर और डिपेंड करता है आपकी ब्रांच के ऊपर, जो स्विफ्ट कोड आपका जिस ब्रांच का दिया है उसके आपको जो ट्रांसफर है उसका कितना पैसा कितना टाइम लगता है। तो बस यही थी वीडियो। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड गूगल एडसन से रिलेटेड चाहे यूट्यूब से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। बस यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।